अरे बर्बाद हो गए बर्बाद। चलो भैया मिलते, बर्बाद हो गए हम लोग का पूरा। भैया थोड़ी हेल्प कर दी, भैया हम लोग की हेल्प कर दी। क्या हो गया भैया? सबसे पहले तो मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो गया। और कैसे मोनेटाइज हो, डीमोनेटाइज हो गया? अरे वो तो रील कंटेंट आ गया, एक्सेस पिन भी नहीं आया है। तो इतना रोने वाली बात क्या, समझ नहीं आ रहा हम लोगों को क्या करें। पहले चुप हो दोनों लोग, पहले चुप। देखो पहले आपका चैनल डीमोनेटाइज हुआ, ठीक है, रील्स कंटेंट की वजह से। अब क्या दूसरी दिक्कत, बोले पिन नहीं आया। जी हाँ, पिन भी नहीं आया। तो इतना परेशान होने वाली जरूरत ही नहीं है तुमको। पैसे कमाने हैं चैनल से, पैसे मिलेंगे। दो साल बर्बाद हो, सुनो दो साल भी बर्बाद हो, दो साल एक भी रुपया नहीं कमाया। अरे चलो देखो, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, ठीक है, जैसे अभी तो मैं इनको बता रहा हूँ कि क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले चीज आप समझिए, ठीक है, आपका रियूज कंटेंट आया है जी भैया, आपने कुछ गलती की होगी, वो तो हमने चलिए एक्सेप्ट कर ली। अब दूसरी आपकी क्या प्रॉब्लम है कि पिन नहीं आ रहा है। मान लीजिए अभी आपने कितने बार पिन अप्लाई किया है? पहली बार अप्लाई किया आपके एड्रेस पे नहीं आया, नहीं आया, ठीक है। देखो क्या होता है कि जब मान लीजिए हम पिन के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, जब हमारा $10 हो जाता है तो हमारे में एडसेंस पिन के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। जैसे कि इनका तो नहीं आया, अगर आपका भी नहीं आया तो आप क्या करोगे? इनके तरीके परेशान हो गए, समझ सकते हैं, हम भी समझते हैं आपका दर्द क्या है। पिन नहीं आता है तो लोग परेशान होते हैं कि अब पिन नहीं आ रहा है, कैसे हमारा चैनल मोनेटाइज होगा। मान लीजिए हमने पैसा तो कमा लिया, अब पैसा बैंक में कैसे लाएंगे? जब तक अब पिन नहीं आएगा तब तक आपका पैसा नहीं आएगा, ठीक है। पहले तो इनका चैनल डीमोनेटाइज हुआ, अब पिन नहीं आ रहा है, तो उसका सलूशन क्या है? आखिर पिन नहीं आया तो वो कैसे हमें पिन मिलेगा? देखो सबसे पहली चीज होती है, जब हम अपने चैनल पर $10 हो जाता है, पिन अप्लाई कर देते हैं फर्स्ट टाइम, ठीक है, और हमारे घर में पिन नहीं आता है, नहीं है, ठीक है। मान लीजिए आपने जो भी एड्रेस डाला और आपके जो भी डाक से रिलेटेड जो भी आपके घर का पास का पोस्टल वाला कोड, जहाँ से पोस्टल कोड डालते हैं, वहाँ पे आपका पिन नहीं आता है, तो आपको क्या करना होता है? दोबारा से पिन अप्लाई करना होता है वो एड्रेस सही डाल के, ठीक है। मान लीजिए वो जिस एड्रेस आप डाल लो उस एड्रेस पे आ ही नहीं रहा पिन, ठीक है, तो उस केस में आखिर में क्या करेंगे? तो आप अपना कोई दूसरा एड्रेस दे सकते हो, जैसे कि मान लीजिए आपका कानपुर में रहते हो और आपका घर दूसरा लखनऊ में, तो आप लखनऊ का एड्रेस वहां पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। आप दूसरा एड्रेस वहां पे मॉडिफाई कर सकते हो, पिन कानपुर में नहीं आ रहा तो आपका लखनऊ में आ जाएगा। मान लीजिए आपके पास दो घर है कानपुर में, एक आपका पास में जहाँ पे डाक घर है, एक थोड़ा दूर है, तो मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, जो डाकिया होते हैं ना, वो उनके तक आपका जो कोड है, पिन है, जो गूगल से आता है वो आ जाता है, लेकिन आपके घर तक पोस्ट नहीं हो पाता है। तो आप वहाँ एड्रेस, सही एड्रेस अपडेट कीजिए, सही पिन कोड डालिए, ठीक है, सही पिन कोड डालिए तो आपका आ जाएगा। अगर मान लीजिए इनके तब भी नहीं आता है, मान लीजिए आपने एक बार कर दिया रिसेंट, दो बार कर दिया रिसेंट, तीन बार कर दिया रिसेंट, तब भी नहीं आया, फिर क्या करेंगे? आप ही बताएंगे क्या करना है। वही चीज तो बताना, क्योंकि ये लोग परेशान होते हैं, जैसे आप लोग परेशान हो रहे हो। मेरा तो पहली बार था। मान लो आपका पिन एक बार नहीं आया, दो बार नहीं आया, तीन बार नहीं आया, चौथी बार हम अपने जीमेल से वेरिफिकेशन कर सकते हैं पिन का, जिसको बोलते हैं एड्रेस वेरिफिकेशन, ठीक है, एड्रेस वेरिफिकेशन हम अपने जीमेल से कर सकते हैं पिन आए या ना आए। इसीलिए गूगल ने ये सिस्टम देकर रखा, क्योंकि देखिए गूगल है अमेरिका का, ठीक है, यूट्यूब है अमेरिका का, वो जानता है कि बहुत से ऐसे एड्रेस होते हैं जहां पर हमारा पिन नहीं डिलीवर हो सकता है, तो आपको उन्होंने एक ऑप्शन देकर रखा, तीन बार आप रिसेंड कीजिए, चौथी बार आप खुद अपने जीमेल से उसके लिए वेरिफिकेशन कर लिए। मैंने उसका वीडियो भी बनाकर रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आपके घर में पिन नहीं आ रहा, तीन बार आपने अप्लाई कर दिया है, तो आपको वो वीडियो देख लेना, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में, आपको मैंने पूरा तरीका बताया कि कैसे आपको जीमेल से वेरिफिकेशन करना है, एड्रेस वेरिफिकेशन जो गूगल का होता है, ठीक है। देखिए आपका जो रियूज कंटेंट आया था वो तो आपकी गलती से आया, ठीक है, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। जैसा मैंने बताया, बहुत से लोग क्या करते हैं, रियूज कंटेंट आता है, वीडियो डिलीट कर देते हैं, उसके बाद अपील फॉर्म भर देते हैं, उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है, यूट्यूब के द्वारा मेंशन है कि अगर आप वीडियो डिलीट करते हैं और फिर उसके बाद अपील फॉर्म भरते हैं तो आपका चैनल का मोनेटाइजेशन सस्पेंड कर दिया जाता है। तो आपकी कितने साल की मेहनत है? दो साल की मेहनत है इनकी, और वीडियो अगर डिलीट कर दिया इन्होंने और फिर अगर ये यहाँ पर अपील फॉर्म भर देते तो इनका 2 साल की मेहनत तो बिल्कुल जीरो हो जाती, समझ सकते हैं। चैनल का सस्पेंड कर दिया जाता है मोनेटाइजेशन, फिर वो नहीं ऑन होता है। इनकेस मान लीजिए नहीं भी हुई है प्रॉब्लम, तब भी आपको नहीं करना है, अपील फॉर्म नहीं भरना है कि मान लीजिए आपने किसी और का वीडियो, जैसे कि आपने डाला था, कौन सा वीडियो डाल दिया था आपने? हिप्पी ऐप का लोगो आ रहा था वीडियो, लेकिन मेरा ही था वीडियो, इनका था, हिप्पी ऐप से इन्होंने डाउनलोड किया और यूट्यूब पे डाल दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर इनको रियूज कंटेंट मिल गया। जबकि यूट्यूब में बोला है किसी भी तरीके का लोगो, किसी भी मतलब मान ली हिप्पी ऐप है, इंस्टाग्राम है, किसी का भी लोगो नहीं आना चाहिए अगर आपका चैनल मोनेटाइज है। अगर आ गया तो समझ लो फिर बहुत ज्यादा चांस है आपका चैनल फिर से दोबारा डीमोनेटाइज होने का। तो आप लोग जो लोग भी वीडियो देख रहे हो तो कहीं से भी वीडियो डाउनलोड करके नहीं डालना है,
डालना कैसे, लोगो नहीं आना चाहिए, ठीक है, लोगो नहीं आना चाहिए, फिर आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने गलती बस वही कर दी कि इनके फोन में सेव हो गया, सोचा कि हमारा वीडियो है, इन्होंने गलती से डाल दी, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं, इनको हर चीज का, दोनों भाई बहन है, दोनों का नॉलेज बहुत अच्छी है काम कैसे करना है। और सबसे पहली बार जब मैंने मीटअप स्टार्ट किया था तब ये दोनों लोग पहली बार हमसे मिले थे, ठीक है, पहली बार भैया, और आज भी हमारे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो भी दिक्कत होती है हम इनके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अगर आप भी जुड़े रहेंगे और वीडियोस देखते रहेंगे, इंस्टा पे फॉलो करे रहेंगे। तो हम तो ये चाहते हैं आप सभी भी पैसे कमाओ, हम तो कमा रहे हैं, आप भी कमाइए, ठीक है, बस यही आपको बता रहा था कि देखिए अब तो आप परेशान नहीं हो ना, आपका जो डर था वो खत्म हो गया ना जी भैया, आपका जो पिन अप्लाई नहीं हो रहा था वो दिखाइए पहले कहाँ है, वो भी मैं देख लेता हूँ आपका, हाँ दिखाइए, लॉक खोल दीजिए। चलिए देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाएगा ना इसका, चलिए मैं आपको देखो एक एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ से आते हैं, यहाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि ये देखो ये भाई बहन जो है ना बहुत, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत समझदार है, हर चीज इनको पता है कि कैसे क्या काम करना है, कैसे क्या नहीं करना है, सब कुछ पता है, आप देख सकते हो। पहले भी जब लोगो आता था ना तब ऊपर से स्टिकर लगा देते थे, बट दिमाग में पता नहीं क्या वो दिन स्टिकर लगाना ही भूल गए। चलिए कोई बात नहीं, आपने जो भी होता है कभी कभी गलतियाँ हो जाती है, हर एक से होती है, ठीक है। अब देखो इन्होंने पूरा एड्रेस अपडेट कर दिया ना जी, मैंने अपडेट कर, जो इनका एड्रेस था इन्होंने पूरा सही से, अपना ही घर जो पहले वाला ही एड्रेस था उसी को सही से और अपडेट कर दिया पूरा सही तरीके से। अब देखो यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है, रीसेंट का, पिन रीसेंट का, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे पिन रीसेंट का ऑप्शन आ रहा है, अभी आपने रीसेंट नहीं किया, नहीं अभी नहीं, अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो पहली बार तो इन्होंने रीसेंट किया था, मतलब अप्लाई किया था, अब ये दूसरी बार है, अब हम दूसरी बार फिर से यहाँ पर देखिए रीसेंट कर दिया हमने पिन, ठीक है, अब ये देखिए हमारा पिन रीसेंट हो गया, यहाँ पर देखिए आ गया लिख कर, ठीक है, ये ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर आ गया, ठीक है, पेमेंट होल्ड है, ठीक है, और यहाँ पर नीड अटेंशन, और यहाँ देखिए एड्रेस अपडेट हो गया और इनका पिन भी यहाँ से भेजने के लिए अपडेट कर दिया गया। अब इनका पिन 7 से 15 दिन का टाइम होता है पिन आने का, ठीक है, अगर तब भी नहीं आता है तो हम 3 वीक के बाद, 3 वीक के बाद फिर से हम यहाँ पर दोबारा से पिन अप्लाई कर सकते हैं, मतलब रीसेंड कर सकते हैं, ठीक है, तो इतनी मान लीजिए तब भी नहीं आए तो आप चौथी बार जीमेल से वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको पूरा दिखा दिया ऐसे ही आपको करना है, ठीक है, अपडेट कर देना है और फिर यहाँ से रीसेंड कर देना है, 3 बार करना है आपको, चौथी बार आप जीमेल से कर लेंगे, ठीक है। वीडियो कैसा लगा है आपको ये मुझे बताइएगा और इन भाई बहन को जाके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में देकर रखा है इनके चैनल का, ठीक है, ऐसे ये लोग काम करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, आपकी भी किसी तरीके की प्रॉब्लम है तो आप भी आ सकते हो। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे आप लोगों को कि अब हम एक और भी चीज़ चालू कर रहे हैं, जैसे कि एक चैनल है अंशु मौर्य नाम से, वो हमारे पास रहता है, 48,000 सब्सक्राइबर है, आपकी जितनी भी स्ट्रगल स्टोरी है, ठीक है, स्ट्रगल स्टोरी है वो सब कुछ हम आपको उस चैनल पर दिखाएंगे, आप कितने समय से काम कर रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, आपको ग्रोथ नहीं मिल रहा है तो आपके घर आके आपका वीडियो बनाएंगे और वहाँ पर चैनल पे अपलोड करेंगे, लेकिन आपको वाईफाई टेक्निकल अंशु मौर्य और ये इंस्टाग्राम फॉलो करके रखना पड़ेगा, सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, हम आपकी सारी स्ट्रगल स्टोरी दिखाएंगे, आप कितना काम करते हो, कितनी मेहनत करते हो, कब से काम कर रहे हो, कब से वीडियो बना रहे हो, कैसे वीडियो बनाते थे, माइक है कि नहीं है, सब कुछ हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे उनकी स्ट्रगल स्टोरी। तो आपको भी अगर आगे बढ़ना है तो फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इनको जाके सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है, और काम होने के बाद अनफॉलो मत करना। हाँ बिल्कुल, लोग भाई लोग अनफॉलो या हम लोग अनफॉलो कर देते हैं, ठीक है, अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।